वैसे कहानी तो पुंडीचेरी का ही होगा, पर उससे पहले तो जाना पड़ेगा ना उधर। तो चलिए चलते, उसके बाद बातें करेंगे। तो जी, जैसा बात वैसा काम। बेंगलोर में ऑटो की और एक मदद लेते हुए हम भी पहुंच गए शांतिनगर बस स्टैंड। हेलो जी, तो बात कुछ ऐसा है, अभी हम जा रहे हैं पुंडीचेरी और थोड़ा टाइम में हम लोगों का बोर्डिंग है, तो उधर जाके आपसे मिलेंगे। और इतना ही कॉन्फिडेंस लेकर समय के साथ खेलने के बाद हमें पता चला बस आज डिले है। बस ऐसे ही कुछ पाल बिताने के बाद हमें बस मिल गया और हम भी चढ़ गए बस पे। और सोचते सोचते कब सुबह हो गया हमें पता ही नहीं चला। हेलो जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं पुंडीचेरी और इधर से अभी गेस्ट हाउस जा रहा हूँ, क्योंकि कोई स्पेसिफिक लोकेशन है नहीं, कहाँ जाना है मेरे को नहीं पता है। थोड़ा ढूंढने के बाद हमें मिल गया था श्री अरोबिंदो गेस्ट हाउस, जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज डे वन इन पुंडीचेरी और अभी हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। तो मेरा पहले लोकेशन जो होगा वो है ऑरोविले, तो पहले उधर जाएंगे और उधर से वापस आने वाला हूँ, तो साथ में रहेगा जरूर। तो जी, अगर आपको ऑरोविले जाना है तो आपको पुंडीचेरी से बाहर जाना पड़ेगा, यानी तमिलनाडु के अंदर जाना पड़ेगा। वैसे ही 1 घंटा ऑटो में बिताने के बाद हमने पहुंच गया ऑरोविले। और भैया, अगर आप इधर आ रहे हो तो बहुत पैदल चलना पड़ेगा, तो तैयार होके आएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होने वाला है जैसे हमको अभी हो रहा है। ऐसे ही कुछ शांति की माहौल प्रतिष्ठा के लिए ऑरोविले बनाया गया था। और हाँ, ऑरोविले से निकालने के बाद टेंटोस कैफे जरूर बकेट लिस्ट में रखना, क्योंकि ऐसा इटालियन पिज्जा मैंने कभी खाया ही नहीं है। तो जी, बात कुछ ऐसा है, इस ऑलरेडी 7 o'clock और हम करने वाला है कैफे हॉपिंग। तो जी भैया, अभी हम जाने वाला है कोरमंडल कैफे और उधर से दिखाएंगे आपको क्या क्या मिलता है उधर और स्पेशलिटी क्या है एक्चुअली। ऐसे ही कुछ स्पेशल आइटम ट्राई करने के साथ हमारा पहला दिन का सफर इधर ही खत्म होता है। हेलो, नाउ इट इज़ डे 2 फ्रॉम पुंडीचेरी और अभी हम एक्सप्लोर करने वाला है ऑल बीचेस, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अभी हम जा रहे हैं पुंडी बीच की तरफ और नज़ारा दिखाएंगे हमारा स्टाइल में पूरा। तो हमारा पुंडीचेरी बीच हो चुका है ख़त्म घूमना, तो मेरा पीछे आपको जो व्यू दिखाई दे रहा है ये रॉक बीच का व्यू है। तो भैया, दोपहर को धूप कितना तेज हो सकता है वो हमें उस दिन पता चल गया था, फिर भी हमने कोशिश करना छोड़ा नहीं। बहुत ही धूप है इसीलिए कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। मेरा पीछे जो आपको दिखाई देगा ये वॉर मेमोरियल है। और जी, ये वॉर मेमोरियल पुंडी बीच और रॉक बीच की बाजू में ही है, तो हमने सोचा ये भी दिखा देते हैं।
और इतना सारे जगह घूमने के बीच में तो एक कॉफ़ी ब्रेक ज़रूरी होता है। और अगर आप पुंडिचेरी आ रहे हो तो KBS का कॉफ़ी मिस मत करना। हेलो जी, तो सीन कुछ ऐसा है, अभी हम घूमने वाला है ईडन बीच, चलिए उधर जाके आपसे मिलते हैं। तो जी, रॉक बीच से कुछ एक घंटा सफ़र करके हमने पहुंचा ईडन बीच, यानी हमारा पुंडिचेरी सफ़र का अंतिम लोकेशन। तो जी, अभी हम घूम रहे हैं ईडन बीच में, और कुछ नहीं, पहले व्यू दिखाते हैं फिर बात करेंगे। तो जी, पूरा पुंडिचेरी का सबसे क्लीनेस्ट बीच है ये ईडन बीच, और इसीलिए ये बीच ब्लू फ्लैग कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऐसे ही फ्रेंच कॉलोनी में थोड़ा सा वक्त बिता के हमने खत्म किया हमारा पुंडिचेरी सफर। तो जी, हमारा पुंडिचेरी का सफ़र बस यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि अभी तो समय भी हो चुका है, निकालना है इधर से। बहुत सारा मेमोरीज ऑलरेडी जुड़ चुका है, बहुत सारा जगह एक्सप्लोरिंग हो भी चुका है, तो शायद आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है। और बस वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट ब्लॉग।